दोस्तों, आप लोगों ने बोला था कि सर इसके वायरिंग को दिखाओ, तो पूरा वायरिंग तो मैं यहाँ पे, अब उतना लाइट नहीं है, मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमारा दो पार्ट में ये डिवाइड था, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था। अभी हमने एक पार्ट रेडी किया है, और यहाँ पे हमारा मैड्रिक सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हमने कुछ कुछ इफ़ेक्ट अभी टेम्प्रोरी टेस्टिंग पर्पस के लिए डाले हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं ये अलग अलग इफ़ेक्ट्स कैसा लग रहा है इस पर, ठीक है। और उसके बाद जो है कनेक्शन मैंने कैसे किया है वो आपको बता देता हूँ। इस कनेक्शन के थ्रू जो है मेरे लिए काम काफ़ी आसान रहा है। यहाँ पे जो है हमारा कंट्रोलर है, और मैंने अलग अलग जितने लाइन है ना, सबके लिए डेटा निकाल करके पैरेलली यहाँ पे ले आया है, ठीक है। हमारे इसमें 13 लाइन है, तो इसके लिए मैंने 13 डेटा लाए हैं। और ये जो हमारा कंट्रोलर है, इसमें 16 पोर्ट आउटपुट होते हैं, ठीक है। तो इस कंट्रोलर से डायरेक्टली हमने यहाँ पे जोड़ रखा है, ठीक है। अब आइए थोड़ा पावर सप्लाई के बारे में आपको दिखा दूँ। यहाँ से जो ये डेटा गया है, और हमारा जो है सारा स्टार्टिंग वाले पिक्सल पे, यहाँ पे वाइट वाला तार का गुच्छा देख रहे हैं, इसमें कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में दो पावर सप्लाई लगाए हैं। इधर वाला पावर सप्लाई अभी पीछे दिख नहीं रहा है, फिर जो है उसके आगे हर एक 5 मीटर पर हमने पावर सप्लाई लगाए हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये 5 मीटर बाद, यहाँ ऊपर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे छत पे हमारा पावर सप्लाई एक इधर लगा हुआ है, ठीक है, और इधर भी लगा हुआ है। तो ऐसे करके हमने जो क्या किया, पार्टीशन कर दिया है। जैसे स्ट्रिप आए 5 मीटर पे, सारे स्ट्रिप पे जॉइंट लेकर के जो है पावर सप्लाई जोड़ दिया, फिर ऐसे ही 5 मीटर बाद फिर से वो जोड़ दिया, ठीक है। ये 13 के 13 लाइन को इंडिविजुअल डेटा डाल दिया, वो जो वाल है उसको भी इंडिविजुअल एक डेटा से जोड़ दिया, वो एक डेटा से इंडिविजुअल जुड़ा हुआ है जेड कनेक्शन में। उसके बाद ये जो पिलर है ये भी हमारा इंडिविजुअल जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से हमने कनेक्शन किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस टाइप का सेटअप करवाना है अपने क्लब में, रिसॉर्ट में, कहीं भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी पे आप जो है मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए। तो होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे और हम लोग देखेंगे इसके बारे में।